एक्सपीरियंस जो ध्यान का है, इसके फ़ायदे तो बहुत हैं। और एक्सपीरियंस जो मेरा एक्सपीरियंस है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देने का, मतलब थर्ड आईज ओपन होना, ज्योत दिखना मुझे आँखों के बीच में, और मेरी बॉडी में पूरा चक्रवात, जो एक हवा का चक्रवात, एक पॉजिटिव एनर्जी का आना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी परमात्माओं को मेरा प्रणाम, गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं छाया सरोज सिंह फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़ से। पहले मैं छोटी थी तो मैं ध्यान के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, पर परमात्मा की तरफ मेरा एक कह सकते हैं कि खिंचाव लगाव था। कुछ भी पूजा पाठ होता था तो उस पर मैं बहुत मन से उस काम को करती थी। मम्मी के साथ आरती करना या पूजा पाठ करने में बहुत मेरे मन लगता था। और ऐसे ही हमारे गुरु, मैं सिक्स्थ में होंगी तब हमारे गुरुजी हमारे गांव आए थे राजस्थान में, किशनगढ़ के वहाँ पे सिक्स्थ में थी मैं, तो सब दीक्षा ले रहे थे। तो मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी कि ये दीक्षा मुझे भी लेना, क्या होता है इससे। उन्होंने बताया कि इससे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, इसको लेने से या उसका जाप करने से। तो फिर मैं बाबा के पास खुद चली गई, मैंने बोला आप मुझे भी दीक्षा दीजिए। तो बोले अब भी आप नहीं ले पाएंगे, आप बहुत छोटे हैं, बाद में इसको लीजिए। फिर 11th में थी तो मैं फिर यहाँ रायपुर आई तो यहाँ गुरुजी थे, तो मैंने उनसे वो दीक्षा ली और उसको मैं जाप करती रही। और मेरी लाइफ एकदम स्मूथ चल रहा था, जो मैं चाहती थी वो हो जाता था। और उस मतलब मंत्र जाप से भी मुझे सब पॉजिटिव होता था, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मतलब मेरे साथ एकदम अच्छी लाइफ थी मेरी। फिर सब ठीक था, मेरी मैरिज हो गई, दो बच्चे हुए। उसके बाद अभी 2018 में लाइफ पूरी मेरी चेंज हो गई। दुर्घटना में मेरे हस्बैंड 15 दिन हॉस्पिटलाइज थे, उसके बाद वो दुनिया में नहीं रहे। वो एक स्तंभ की तरह थे मेरी लाइफ में। फिर मुझे बीपी हो गया था, मैं मतलब वहाँ से ये वाले मतलब हादसे से मैं उभर ही नहीं पा रही थी, बेड से उठ नहीं पा रही थी। ऐसा हो रहा था कि मैं बच्चों को अगर स्कूल छोड़ने जा रही हूँ तो वहाँ से वापस नहीं आ पा रही हूँ, गाड़ी नहीं ड्राइव कर पा रही हूँ, ऑफिस मेरा छूट गया, सब छूट गया मेरा, घर पर मैं बेड पर लेटी हुई हूँ। फिर मेरे पेरेंट्स आए, मेरा लोकल मैरिज है रायपुर में ही, मेरे पेरेंट्स हैं, तो फिर वो मुझे लेके चले गए। और वहाँ पे शिविर लगा हुआ था जगन्नाथ मंदिर में, शोभा मैम हैं उनके पास मैं शिविर में, मेरी मदर मुझे उनके पास लेके गई। तो वहाँ 40 दिन का आनापाना सती का शिविर लगा हुआ था ध्यान का, तो स्टार्ट हो चुका था शायद 5-6 दिन आगे बढ़ गया था वो। तो हम वहाँ गए, 4 बजे से 6:30 बजे का ध्यान शिविर था उस दिन। जिस दिन फर्स्ट डे मैंने शिविर अटेंड किया था, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह से मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी, 4-5 बजे मेरी मेडिसिन जो उन्होंने मुझे दिया डॉक्टर ने, उससे मैं 4 या 5 बजे उठ पाई थी बेड से। फिर मम्मी ने बोला कि अब भी आप सीधा वहीं चलिए, थोड़ी देर वहाँ जाके देखिए मूड चेंज होगा, चल के देखो मुझे वहाँ अच्छा लगता है। तो मैं मम्मी के कहने पे अपने बच्चों को लेके वहाँ गई, शिविर अटेंड किया। वहाँ हवन कुंड है, जैसे पिरामिड के शेप, पिरामिड ही है वो एक तरह से। वहाँ शोभा मैम ध्यान करा रही थी, 1.5 घंटे का ध्यान था, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ बैठिए, आपको ऐसे मतलब मेथड बताया उन्होंने कि आपको सांस पे ध्यान देना है। वो 1.5 घंटे में मैं इतनी नॉर्मल हो गई, बीपी, खैर मैंने मेडिसिन भी लिया था, लेकिन जो एनर्जी थी मैं वहाँ थी ही नहीं। मैंने इतनी बार उस 15 दिन में इतनी बार मैंने गीता सुना, इतना कुछ किया, लेकिन ना मैं उभर ही नहीं पा रही थी उस चीज़ से। और वो 1.5 घंटे का जो टाइम पीरियड था ना, मतलब एक चमत्कार मान सकते हैं उसको। मतलब मैं एकदम रिफ्रेश होके लग रहा था मैं वापस पहले वाली छाया हूँ, जो मैं 2 महीने से जो हॉस्पिटल से आना जाना गेस्ट थे, और जो मेरी मेंटलिटी हो गई थी मैं वो थी, जो चेंज हो गई थी, मुझे लगा कि मैं अब थोड़ा नॉर्मल हुई हूँ। और 5 दिन मैंने वो अटेंड किया, 5 दिन के बाद मैं ऑफिस जाने लगी। मैं ना उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी, उस एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी को, सब चीज़ों को मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकती हूँ।
और मतलब मात्र 5 दिन में मैं बेड से उठ गई, बीपी कहाँ गया मेरा, मैं बच्चों को स्कूल लाने ले जाने लगी, ऑफिस ज्वाइन कर लिया मैंने वापस से 5 दिन के अंदर, और करेक्ट 4 बजे मैं वहाँ पहुँच जाती थी जगन्नाथ मंदिर में, और 6:30 बजे तक मैं उसको अटेंड करती थी, सबके एक्सपीरियंस सुनती थी। वो टाइम है 2018 का, जगन्नाथ मंदिर के फर्स्ट शिविर का, और आज मैं अपने बच्चों को भी स्कूल कोचिंग ला पा रही हूँ, अभी तो ऑनलाइन है खैर नहीं, बाकी जो टाइम पीरियड था उस समय में ऑफिस भी मैं जा रही हूँ, मैं अपनी एकेडमी पे भी ध्यान दे रही हूँ। फिर वो 40 डेज का शिविर जो था, उसके बाद ममता पिरामिड में कई बार गई पत्री सर के पास, उनकी आँखों में तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, उनकी आँखों में देखो तो वो एनर्जी भी। उसके बाद मैंने अपनी एकेडमी में इसको 40 दिन को, और मैंने मैम को बोला कि शोभा मैम को कि मुझे इसको अपने मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आनापानासति ध्यान के बारे में बताना है, इसको कराना है, तो मैंने अपनी एकेडमी में भी वो शुरू किया। 40 दिन का वहाँ शिविर हुआ, वहाँ स्वर्णा मैम का थैंक्स, शोभा मैम, सुधीर सर, सब ने मुझे सपोर्ट किया, वहाँ आए उन्होंने सब इन सब के बारे में बताया, और बच्चों को भी इतना फ़ायदा लगा इस चीज़ से, बहुत सारे बच्चों ने पिरामिड लिए, उसकी एनर्जी को महसूस किया। 40 दिन हमारा वहाँ रहा सर, वहाँ सुधीर सर आए थे तो वाइब्स जो आ रही थी वहाँ पे एकेडमी में, उसको सब ने एक्सप्लेन किया, बताया उन्होंने, सब स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगा, कई लोगों ने फिर से वहाँ उस चीज़ को आगे बढ़ाया, अपने गांव में कई बच्चों ने सिखाया जाके ये चीज़ को। अब इसका एक्सपीरियंस जो ध्यान का है, इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, और एक्सपीरियंस जो मेरा एक्सपीरियंस है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देने का, मतलब थर्ड आइज ओपन होना, ज्योत दिखना मुझे आँखों के बीच में, और मेरी बॉडी में पूरा चक्रवात, जो एक हवा का चक्रवात, एक पॉजिटिव एनर्जी का आना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जगन्नाथ मंदिर में जब मैंने शिविर ज्वाइन किया था ध्यान का, जिस समय मेरा बीपी 200 था अपसाइड, और इधर भी मेरा 80 की जगह 120-130, मतलब बेड से उठने की हालत में नहीं थी मैं उस समय। जब फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया तो मुझे मैम ने जो मेथड बताया, उसके बाद जो बातें उन्होंने मुझसे बोली, उन्हें मैंने आज तक गांठ बांध के रख लिया। मतलब इतना सब नॉलेज होने के बावजूद भी ये नॉलेज नहीं थी मुझे कि इतनी सिंपल लैंग्वेज उन्होंने मुझे समझाया कि सबकी हम एक ट्रेन में बैठे हैं, और जिसका स्टॉपेज जब आता है तब उसको उतरना ही पड़ता है। उनका स्टॉपेज वहाँ था, वो वहाँ से उतर गया, अब आपका स्टॉपेज जब आएगा तो आपको भी जाना होगा। आपका अभी स्टॉपेज नहीं आया, आपको इस ट्रेन में अभी आगे यात्रा करनी है, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको कंप्लीट करना है, उसके बाद सबका एक जैसा स्टॉपेज नहीं होता है। वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई, और मेडिटेशन का जो रिज़ल्ट था, जो एनर्जी थी, उससे बीपी तो मेरा मतलब अभी तो मैं एकदम नॉर्मल हो गई। उसके बाद मैंने 2-3 बार और टेस्ट कराया, मुझे थोड़ी धड़कन बढ़ जाती थी कुछ सोच के, कभी याद करके, तो मेरा बीपी एकदम नॉर्मल है अभी, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। और उससे पहले मैंने 10 डेज मेडिसिन लिया था, तो भी मतलब बीपी लो हो ही नहीं पा रहा था मेरा। ध्यान आगे चलता गया, मन शांत होता गया, जिम्मेदारियों को मैं अच्छी तरह से कर पा रही हूँ, बाहर की भी, घर की भी, बच्चों की भी, गार्जियन हैं, छोटे हैं घर में, बच्चे भी हैं, सबको मैं देख पा रही हूँ अभी इस कंडीशन से। अभी 2 साल में तो काफ़ी कुछ चेंज आ गया है ध्यान के बाद मेरे जीवन में। ध्यान एक मार्ग है जिससे हम परमात्मा तक तो पहुँच ही सकते हैं, मतलब लोग भी सुधार सकते हैं और परलोक भी सुधार सकते हैं, हम अपने इस जीवन को भी सुधार सकते हैं, और आगे की जो यात्रा होती है उसको भी हम आगे बढ़ सकते हैं उस यात्रा में। मतलब ये एक ऐसा मतलब हमको क्या मिला बोल सकते हैं, एक वरदान मिल गया हमको, जो कि हमारे सारे मास्टर्स को मैं जितनी बार थैंक यू बोलूं उतना कम है। जगन्नाथ मंदिर में जब हम मेडिटेशन करने गए तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब तब से बच्चे मेरे साथ मेडिटेशन हर दिन करते हैं, और उनकी एजुकेशन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन अभी सबकी कंप्लेन है कि हमारे बच्चे ऑनलाइन में ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो लोग टाइम के पंचुअल हो गए हैं, अपने से पढ़ पा रहे हैं उस चीज़ को, मतलब बहुत सारे फ़ायदे उन हम मुझे दिखाई देते हैं, उनमें चेंजेस दिखाई देते हैं बच्चों में।
वो खुद सही और गलत समझ पा रहे हैं। मतलब मेरी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है मेडिटेशन के बाद मेरी कम हो गई है, बच्चे जब मेडिटेशन कर रहे हैं इतनी समझ उनमें आ रही है। और मेरी मदर इन लॉ हैं, उनको भी मैंने, वो तो जा नहीं पाते हैं किसी शिविर में, उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने उनको बताया कि मम्मी आप इस तरह से कीजिए आनापानसति मेडिटेशन, तो उनकी हेल्थ में भी बहुत फ़र्क है। अभी पत्री सर आए थे घर के पास हमारे यहाँ थोड़ी देर मेडिटेशन कराने, तो उनको मैं लेके गई, तो काफ़ी उनकी सेहत में भी काफ़ी फ़र्क है। मतलब घर में ध्यान के बाद बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब सब अच्छा हुआ है, सकारात्मक हुआ है। और एकेडमी में भी जिन बच्चों ने 40 दिन का ध्यान शुरू किया था, उन्होंने कई ने अपनी एकेडमी डाली है और ये चीज़ को उन्होंने भी आगे बढ़ाया है। मैम और सर ने बताया पिरामिड की वैल्यू क्या है, उन्होंने पिरामिड लिया और नरदाहा वगैरह आसपास के गाँव में वो लोग मेडिटेशन बच्चों को बुला के अपने घर पे भी कर रहे हैं और सभी को फ़ायदा है इस चीज़ का। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगी कि थैंक यू पिरामिड मास्टर्स, थैंक यू इस रास्ते को दिखाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।